नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे। और आज की वीडियो भी कल की वीडियो की तरह बिल्कुल इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो पे भी हम लोग बात करने वाले हैं कि कुछ स्विंग ट्रेड्स भी मैं दूंगा, एक या दो तो दूंगा ही दूंगा, एंड उस पर मैं आप लोगों को इंट्राडे के सेटअप्स भी डेफिनेटली प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। कल की मार्केट की बात करें तो मैंने आप लोगों को कुछ ट्रेड्स दिए थे, अभी मैं आप लोगों को उनकी परफॉर्मेंस बताऊंगा इस वीडियो पे। स्टार्टिंग पे सिर्फ एक या दो मिनट लगेगा, आपको बताऊंगा कल के स्टॉक्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, प्लस इंस्टाग्राम पे जो हम लोगों ने स्टॉक्स दिए हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। सो अगर आप लोग इंट्राडे के स्टॉक्स और जानना चाहते हो कि मैं कौन से और ज्यादा प्रोवाइड करवाऊं, तो यूट्यूब के साथ हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी प्रोवाइड करवाना स्टार्ट करा है। नीचे आप लोगों को इंस्टाग्राम पे ज्वाइन होने का, फॉलो करने का आपको लिंक मिल जाएगा। आप जाइए, हमें फॉलो करिए, वहां पर आप लोगों को और एजुकेशनल कंटेंट्स भी हम लोग जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाने वाले हैं, ठीक है। सो अब हम लोग चलते हैं डायरेक्टली चार्ट्स की तरफ। यहां पर मैं आप लोगों को तीन से चार इंट्राडे स्टॉक्स या एक या दो होल्डिंग के वाले स्टॉक्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा। निफ्टी बैंक निफ्टी का सेटअप, निफ्टी का एक बहुत बढ़िया चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, एंड यहां पर फर्दर डिटेल्स हम लोग बात करेंगे। सो ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लीज एंड तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को प्यार जरूर दीजिएगा। हमारे इस यूट्यूब को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम लोग एम कर रहे हैं 1 लाख सब्सक्राइबर्स का विद इन दिस मे मंथ। सो प्लीज हेल्प अस और लाइक करिए वीडियो को कि एल्गोरिथम के थ्रू हमारे इस वीडियो यूट्यूब तक और अच्छे से रीच करे लोगों पे। कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएगा, अपना प्यार जरूर दीजिएगा। सो चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ। सो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने एक अपना एक खुद का वो क्रिएट कर रखा है वॉच लिस्ट, एंड यहां पे हम लोग अपने प्रीवियस ट्रेड्स की बात करेंगे। सो मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर अपने प्रीवियस ट्रेड्स का भी हमें रिजल्ट बताया करिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक MGL बाय करने के लिए दिया था, एंड MGL में बहुत बढ़िया रिटर्न हम लोगों को देखने को मिला। ऑलमोस्ट 1-2% की इसने अपमूव दी थी। इतने गिरते बाजार में भी हम लोगों ने इस पे एक बाइंग सेटअप दिया था और इसने अच्छा परफॉर्म करा। उसके बाद बात करते हैं स्कॉट्स की, तो स्कॉट्स ने क्या करा वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए गैप डाउन खुला, एग्जैक्ट अपने टारगेट तक खुला ही अपने टारगेट पे, और वहां से फिर ऊपर जाना स्टार्ट करा। इस पर हम लोग ट्रेड नहीं ले पाए। उसके बाद आते हैं बंधन बैंक पे। बंधन बैंक ने क्या करा आप क्लियरली देख सकते हैं, एक यहां पर इसी लेवल पे खुला, हमारे टारगेट पे खुला, हमारे सॉरी एंट्री पॉइंट पे खुला। एंट्री पॉइंट पे जाने के बाद एक क्लियर शॉर्ट पोजीशन और एक शार्प फॉल हम लोगों को बंधन बैंक के अंदर देखने को मिली। 3.5% की गिरावट आई है, ये सेल साइड पे था, इसका रिजल्ट अच्छा आया। प्लस मैंने दो इंस्टाग्राम पे भी सेल साइड के लिए स्टॉक्स दिए थे। सबसे पहले HDFC AMC दिया था, जिसका टारगेट डाउन साइड में 100 रुपए का था। सो यहां पर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, देखिए यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं इस लेवल पे दिया गया था, अराउंड ये वाली क्लोजिंग पे 2770 पे दिया था, और हमारा 2650 रुपीज का टारगेट था, 2670 रुपीज का टारगेट था सॉरी। एंड गिरते गिरते आप देख सकते हैं इसका जो आज का लो है वो 2730 है, सॉरी ये कितना टारगेट था, ऑलमोस्ट या सो ऑलमोस्ट 40 रुपीज का टारगेट था, एंड ये हमारा अचीव हुआ। जस्ट लेट मी चेक कि हमारा टारगेट कहां लिखा हुआ था। ओके, सो आप इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हैं, अभी मुझे यहां पर श्योरिटी नहीं है, बट ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स की गिरावट हम लोगों ने यहां पर एक्सपेक्ट करी थी और वो देखने को मिली। प्लस बात करते हैं डिलीप बिल्टकॉन की। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं इसी लेवल पे शॉर्ट करने की सलाह दी थी, इसे मैं हटा देता हूं, यहां पे इस लेवल पे शॉर्ट करने की सलाह दी थी, एंड आप क्लियरली देख सकते हैं अपने 543 से इसका जो लो था वो 533 का था, एंड इंट्राडे में हमें अच्छे रिजल्ट्स इस पर भी देखने को मिले हैं, ठीक है। अब यहां पर मैंने आप लोगों को दो स्विंग ट्रेड्स भी प्रोवाइड करवाए थे, वो भी चेक करिएगा। सबसे पहले जिंदाल सौ प्रोवाइड करवाया था, कैंडल देख रहे हैं 10% की मूवमेंट दी है जिंदाल स्टोन ने, 10% की मूवमेंट, इतना बढ़िया पैसा अर्न करा। आप इंस्टाग्राम हमें अपने टेलीग्राम पे भी जाके देख सकते हैं, हमारे क्लाइंट्स ने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करा है। अगर आप लोगों ने जिंदाल स्टोन और द्वारी केश के अंदर प्रॉफिट अर्न करा है, और अगर आप लोग हमारे मेंबर भी नहीं है, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आप लोगों ने जिंदाल सो और द्वारिकेश में अपना प्रॉफिट अर्न करा है, क्योंकि द्वारिकेश भी आप लोगों को दिया गया था। प्लीज लेट मी शो यू, ये कैंडल देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी कैंडल हम लोगों ने कैप्चर करी है। यस गाइस, 20
8% का रिटर्न दिया है द्वारिकेश शुगर ने और जिंदाल सो ने 8.5% से 10% का रिटर्न। सो अगर आप लोगों ने बाय कर रखा है तो प्लीज लेट मी नो ऑन अ कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोगों ने प्रॉफिट अर्न कर रखा है सो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा सकते हैं अपने स्क्रीनशॉट्स के साथ, और हम लोगों को डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि कल कौन से शेयर्स पे इन्वेस्ट करना है, कल कौन से ट्रेड्स लेने हैं इंट्राडे के लिए, प्लस एक स्विंग ट्रेड भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। ठीक है, सो सबसे पहले स्टॉक की बात करते हैं, जिस स्टॉक का नाम है कोफॉर्ज। ये पर्टिकुलर स्टॉक मैं अप्रैल के लास्ट से होल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने होल्ड करा हुआ है डेफिनेटली इस पर्टिकुलर स्टॉक को, मैं बहुत ज्यादा थक गया, ये स्टॉक ज्यादा मूव नहीं कर रहा। इस पर हम लोगों ने मे का ऑप्शन भी बाय करवा रखा था अपने प्रीवियस क्लाइंट्स को, थोड़े लोगों ने होल्ड करा था, आज कुछ हम लोगों ने प्रॉफिट बुक करा है और हम लोगों ने प्रॉफिट इस पर बुक कर लिया क्योंकि ज्यादा सडन मूवमेंट नहीं लग रही थी मुझे ऑप्शन के अंदर। कैश में डेफिनेटली परफॉर्म कर रहा है, फ्यूचर्स में डेफिनेटली परफॉर्म कर रहा है, ऑप्शन में ज्यादा नहीं कर रहा, तो हम लोग 6,000-7,000 रुपए इसमें लेकर निकल गए थे। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका भी स्क्रीनशॉट दिख जाएगा। ओके, अब ये स्टॉक मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, देखिए अब एनालिसिस स्टार्ट हो रही है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने लोस को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करा है, आप क्लियरली यहां पर देख रहे हैं, मैंने लोस को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करा हुआ है, एक हाईस को कनेक्ट करते हुए एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करा हुआ है, और आप क्लियरली देख रहे हैं कि इसको रिस्पेक्ट अच्छे से कर रहा है, येस और नो, अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने एक रेंज क्रिएट कर रखी है, यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि मैंने एक रेंज क्रिएट कर रखी है इस लेवल पे, ये जोन देख रहे हैं, इस जोन पे मैंने एक रेंज क्रिएट कर रखी है जिसके ऊपर निकलने में इसको सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। ठीक है, इस रेंज को कोई बात नहीं मैं छोटी कर देता हूं, इस रेंज के ऊपर इसे निकलने में सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। अब आप एक चीज और देखिएगा, यहां पर मैंने एक ये वॉल्यूम प्रोफाइल का इंडिकेटर यूज कर रखा है जो हमें बताता है कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम किधर है। अब आप एक चीज देखिएगा, यहां पर जो ये वॉल्यूम प्रोफाइल का इंडिकेटर लगा हुआ है वो लगा हुआ है एग्जैक्ट, ये जो लाइन रेड कलर की लाइन आप देख रहे हैं यहां पर देखिएगा, ये रेड कलर की लाइन विजिबल है। अब आप एक चीज देखिएगा, ये शार्प फॉल आया, इस रेड लाइन को तोड़ दिया, मतलब सबसे ज्यादा वॉल्यूम था, इसे ब्रेक करा, उसके बाद दोबारा ऊपर गया, कंटिन्यू करा, फर्स्ट कैंडल ऊपर जाने की कोशिश करी, नहीं कैपेबल हो पाई, नीचे आ गई, क्योंकि वॉल्यूम इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जाने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। फर्स्ट टाइम कोशिश करी, सेकेंड टाइम करी, थर्ड टाइम करी, नहीं क्लोजिंग दी, बट आज की मार्केट पे ये नीचे गया, ऊपर आया और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, विच इज अ वेरी गुड साइन। अगर अभी इसके ऊपर कल ब्रेकआउट आता है, अभी अपने सेफ लेवल पे है, 2900 रुपीस पे ट्रेड कर रहा है, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है अच्छे लेवल्स दे सकता है, कोई बात नहीं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी तो सर स्टडी करनी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक के बेसिस पे तो ट्रेड लेना नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मैं ट्रेड फाइंड करता हूं आप लोगों के लिए, इंट्राडे पे करता हूं, लाइव मार्केट पे करता हूं, वो सेटअप मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं गाइस, सो प्लीज यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब आप देखिएगा इसके बाद, क्योंकि मैंने 1 डे की स्टडी कर ली, अब मुझे यहां पर इस पे की भी तो स्टडी करनी है डेफिनेटली, 1 आवर की, 15 मिनट की, सारी स्टडी करनी होती है। क्लियरली यहां पर देखिएगा, मैं ये फालतू की चीजें हटा देता हूं क्योंकि यहां पर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। ओके, ठीक है, अब आप यहां देखिएगा, यहां पर जब मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करा तो मुझे पता चला कि यहां पर एक रेंज के अंदर ही कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, इस रेंज के अंदर ये काम कर रहा है। अब इस रेंज के ऊपर एक बुलिश कैंडल दी, उसके बाद एक नेगेटिव कैंडल आई बिकॉज वहां पर एक रेजिस्टेंस था, नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे नहीं गई और ऊपर दोबारा क्लोजिंग दे दी। अब बात करते हैं हमें बाय कब करना है। यार बाय अगर मैं करना प्रेफर करूंगा तो मैं प्रेफर करूंगा इस कैंडल के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे, ये वाली जो एक बुलिश कैंडल बनी थी, इस कैंडल के ऊपर अगर ये चले जाएगा तो मैं बाय करना स्टार्ट करूंगा। ये लेवल क्या आ रहा है निकल के, ये लेवल निकल के आ रहा है 2911 रुपीज का लेवल। क्या मैं 2911 रुपीज के ऊपर बाय कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। सर जैसे ही ऊपर निकल जाएगा मैं तुरंत बाय कर लू? नहीं, 15 मिनट का कंसेप्ट समझाया था ना, फॉलो दैट। सो लेट्स मूव टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब मैं पहुंचा तो यहां पर मैं देख रहा हूं, ये देखिए इस कैंडल के ऊपर अगर ये 15 मिनट की अपनी क्लोजिंग दे देती है, चलिए हम सेफ साइड में चल लेते हैं क्योंकि यहां पर भी 15 मिनट की क्लोजिंग करी थी फिर नीचे आ गया था। थोड़ा सा मैं और ऊपर ले लेता हूं, मैं 2911 का टारगेट लेवल नहीं लेता, मैं 2913 या 14 का ले लेता हूं। सो अगर आप ध्यान से सुनेगा, कल अगर एक कैंडल इस लेवल के ऊपर, इस लाइन के ऊपर अगर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर देती है, गो फॉर अ बाय। ठीक है,
15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, गो फॉर अ बाय। और आई थिंक आपको 10 से 15 रुपए बहुत इजीली मिल जाएंगे। और गाइस चलिए एक चीज और शेयर करता हूं, ठीक है, सबसे बढ़िया चीज और शेयर करता हूं। लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम वंस अगेन। यहां पर आप अपना बाय सेटअप जनरेट करो। अगर ये क्लोजिंग कर देता है एक घंटे की कैंडल, अगर एक घंटे की कैंडल ये क्लोज कर देती है 2920 रुपीज के ऊपर, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अगर 2920 के ऊपर एक घंटे की कैंडल क्लोज कर जाए तो इसे आप स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू भी बाय कर लेना। क्या बोला मैंने? स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू बाय कर लेना। टारगेट्स के रिटर्न बताऊं कितना रिटर्न देकर जाएगा ये आपको? ये ऑलमोस्ट आपको 8% का रिटर्न देकर जा सकता है विद इन दिस मंथ। क्या बोला मैंने? इसी महीने, एक महीने का 8% का रिटर्न। आप पता है आपको एफडी तक 5-5.5% का रिटर्न सालाना दे रहा है, ये स्टॉक एक महीने के अंदर आपको 8% का रिटर्न दे रहा है। तो सर क्या मैं पूरे के पूरे जितने भी मेरे पास फंड्स हैं इसके अंदर इन्वेस्ट कर दूं अगर 8% का रिटर्न चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, ये गलती कभी मत करना। मैं जो भी स्विंग ट्रेड्स दूं, अपने जितनी भी आपके पास कैपिटल है उसमें से 50% या 40% अपनी कैपिटल इंट्राडे के लिए रखो, 60% कैपिटल को मेरे स्विंग ट्रेड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करो। द्वारिकेश होल्ड है, जिंदाल सो होल्ड है, अभी मैं एक स्टॉक और देने वाला हूं उस पर बाय करो, इस पर बाय करो। तो अपनी पोजीशन को ना मैं चार, अगर आपको स्विंग ट्रेड दे रहा हूं सो 25-25% सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। सो प्लीज मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूं, 2920 के ऊपर बाय करना है अगर एक घंटे की क्लोजिंग कैंडल क्लोज करती है। अगर आप लोग स्विंग ट्रेडर हो, अगर इंट्राडे ट्रेडर हो तो 2914 की 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज करती है, 10-15 रुपए लेकर निकल जाना, ठीक है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टॉक विच इज SCI। ये मैंने बाय करा था ये पर्टिकुलर स्टॉक आज, बट पता नहीं क्या रीजन हुआ, क्योंकि मुझे मार्केट पे थोड़ी इंडेक्स के लिए फंड्स की नीडेड हो गई थी, तो उसके क्योंकि मैंने मार्केट पे विड्रॉ कर लिया था फ्राइडे को, क्योंकि मैं हर वीक विड्रॉ कर लेता हूं, तो मैंने फंड्स ऐड करना भूल गया था, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को मुझे एग्जिट करना पड़ा लॉसेस पे। बट अभी भी मैं इसे होल्ड कर लूंगा, कल मैं इस पर अपनी पोजीशन दोबारा बना लूंगा, ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक पे। यहां पर मैं क्या देख रहा हूं? यहां पर मैं देख रहा हूं ये पर्टिकुलर स्टॉक एक क्लियरली एक रेंज के अंदर काम कर रहा है। क्या कर रहा है? ये क्लियरली एक रेंज के अंदर काम कर रहा है, एक डाउन ट्रेंड चैनल के अंदर काम कर रहा है। प्लस इसने एक यहां पर ब्रेकआउट दे दिया, एक अपने डाउन ट्रेंड चैनल का ब्रेकआउट देके ये स्टॉक ऊपर गया है, विच इज अ वेरी गुड साइन, क्योंकि जब भी ब्रेकआउट आता है इट्स अ गुड साइन, आपको पता होना चाहिए एक रेंज का ब्रेकआउट आता है इट्स अ गुड साइन, ठीक है। डेली चार्ट्स पे हम लोगों को सिर्फ इतना देखना था कि एक रेंज का ब्रेकआउट आया तो ब्रेकआउट का मतलब क्या डोनेट करता है। देखिए एक एक कंसेप्ट समझिए, डेली चार्ट्स पे मैंने क्या देखा, एक ब्रेकआउट आया, मेरे माइंड में आया बाय। अब हमें फाइंड करना है बाय कब करना है, ठीक है, बाय कब करना है। तो उसके लिए सबसे पहले चलेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं अब एक सूटेबल रीजन देखूंगा कि मुझे कहां बाय करना, और 15 मिनट के चार्ट्स पे मैं अपना लेवल फाइंड करूंगा, ठीक है। यहां पर यार मैं देख रहा हूं कि ये जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है इसको मैं रेड कलर की लाइन से कर रहा हूं। ये रेड कलर की लाइन को मैं बार बार अगर देखूं ध्यान से, सो मुझे पता चल रहा है कि यार यहां पर भी इसने रेजिस्टेंस लिया, इधर भी कम से कम 4-5 बार रेजिस्टेंस लिया, और इधर भी आज के ट्रेडिंग सेशंस के अंदर इसने अपना रेजिस्टेंस लिया है। सो यार इसके ऊपर निकलने में से डिफिकल्टी हो रही है, देख रहे हो मैं किस तरीके से अपने आप से बात कर रहा हूं और ये कंसेप्ट निकाल रहा हूं, कंक्लूजन निकाल रहा हूं कि स्टॉक पे करना क्या है। इसी तरीके से काम करना है आपको, ठीक है। आप वेरी तरीके से ट्रेडर बनना है अपने आप को, जो भी आप यूट्यूबर को देखते हो, कोई भी यूट्यूबर को, आप पावर ऑफ स्टॉक्स को देखते हो, कोई भी यूट्यूबर को देखते हो, मेरे को सबके यूट्यूबर्स पसंद आते हैं, मैं तो सबके साथ हूं, ठीक है। सो आपको क्या करना है, हमारी तरह बनना है आपको। अभी से मैं बताता रहा हूं, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। अगर ये होमवर्क आपने सिर्फ कर लिया तो मैं आपको कह रहा हूं आप विद इन 1 month to 2 months मेरे से 50% बढ़िया बन जाओगे, ठीक है। ये होमवर्क ध्यान से सुनेगा, ये जो मैं YouTube पे वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जो मैंने कल की वीडियो अपलोड करी और जो मैंने आज की वीडियो अपलोड करी, इसमें मैंने स्टॉक्स दिए। अब ये जो मैंने स्टॉक्स दिए हैं, एग्जैक्ट इन्हीं स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करो। आज के स्टॉक जो मैं दे रहा हूं वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करो, डेली टाइम फ्रेम, आर्ली टाइम फ्रेम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो जो मैं बता रहा हूं, जो जो मैं यहां पर बता रहा हूं, सबसे पहले पूरी की पूरी वीडियो देखना, ठीक है, सारे स्टॉक्स को सबको देख लेना, उसके बाद जाना ट्रेडिंग व्यू पे, वॉच लिस्ट को ऐड करना, वॉच लिस्ट पे स्टॉक्स को जैसा जैसा आपने आज सीखा है एग्जैक्ट सेम ड्रॉ करना। ये नहीं कि एक चार्ट को देख लिया उसके बाद पहले मैंने बनाया,
पांचों को देखो, यस आप भूल जाओगे कि आपने क्या देखा है, वही गलती है, वही आप भूल जाओगे, कोई बात नहीं, गलतियां करोगे, दोबारा वीडियो को देखो और देखो मैंने क्या गलती करी, उसे मिस्टेक को सही करो और कल ही उसी मार्केट पे उन्हीं पांच स्टॉक्स को जाके ऑब्जर्व करो कि मेरे हिसाब से चल रहा है नहीं चल रहा है। सिर्फ इतना कर लो एक महीना, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप लोगों को किसी चीज की नीड नहीं पड़ेगी और आप यहां पर सक्सेसफुल निकल के जाओगे। मेरा मोटिव है आप लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना और वो मैं बना के जाऊंगा। अगर आप लोगों को मेरी हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली इसे फॉलो जरूर करना। यस वीडियो लंबी हो रही है बट यहां को सीख दे के मैं डेफिनेटली आप लोगों को जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से। और एक इंपॉर्टेंट चीज और तो यहां पर मैंने मिस कर दी है, क्योंकि ये तो आपको 25-30% बढ़िया कर देगी, 20% जो आपको और बढ़िया कर सकती है वो क्या है, वीडियो रिकॉर्डिंग। क्या बोला मैंने, ये जो मैं YouTube बना रहा हूं यह आप लोगों के लिए तो बना ही रहा हूं, यह अपने लिए भी बना रहा हूं, क्योंकि जब मैं अपने आप से बात करता हूं मैंने स्टॉक पे ये देखा मैंने ये देखा, तो मेरी प्रैक्टिस आप लोगों से डबल ट्रिपल इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि मुझे एक एक कंसेप्ट को समझना होता है, मुझे जब आप लोगों को बताना है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा हूं तो मैं यही चाहूंगा कि यार मेरा स्टॉक ऊपर जाए, अगर मेरा स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा तो आप लोग मेरी वीडियोस भी नहीं देखोगे। तो मुझे इतना दिमाग लगाना पड़ता है एक एक स्टॉक के अंदर कि यार ये ऊपर जाना चाहिए, ये ऊपर जाना चाहिए। तो मैं वीडियो फॉर्मेट में आपके साथ कोशिश करो, अगर फ्री टाइम है तो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हो तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू बोलना स्टार्ट करो, अपने आप से बात करना स्टार्ट करो और बताओ कि आप, एग्जाम्पल लो कि आपके सामने कोई बैठा आप उसे समझा रहे हो। जब आप अपने आप को समझाओगे या किसी और को फेस टाइम समझाओगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप मेरी तरीके से 2 महीने के अंदर बन जाओगे और पावर स्टॉक की तरफ भी आप बिल्कुल 2 महीने के अंदर बन जाओगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। सो इसी तरीके से फॉलो करो, मैं चलो यूट्यूब चैनल खोल लो, ये चिंता मत करना सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, व्यूज नहीं आ रहे, अपने लिए ही खोल लो, सारी वीडियोस को प्राइवेट रखो अगर आप पब्लिक भी नहीं करना चाह रहे, कुछ तो करो, यहां पर मोटिवेट लेना स्टार्ट करो। और मैं आप लोगों के साथ एक ट्रेडिंग शिप भी शेयर करने वाला हूं जिसपे आप 0 इन्वेस्टमेंट से स्टॉक मार्केट के अंदर करोड़ों कमा सकते हो, जिस तरीके से मैं कर रहा हूं, मैंने अभी तक करोड़ नहीं कमाए सॉरी, बट आप स्टार्ट कर सकते हो, वो उसके लिए वीडियो भी मैं लेकर आने वाला हूं। ज्यादा बातें हो गई है थोड़ी, मैं भी भूल गया था कि हम लोग यूट्यूब पे भी हैं, वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। सो यहां पर हम लोगों ने कंसेप्ट देख लिया, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस लाइन के ऊपर ही बाय करना है। क्या बोला, इस लाइन के ऊपर बाय करना है। ये लाइन का लेवल क्या आ रहा है, 108.5 के ऊपर हमें बाय करना है। अब डेली चार्ट पे पता चल गया ब्रेकआउट है, बाय है, अर्ली चार्ट पे पता चल गया किस लेवल के ऊपर बाय करना है। लेट्स मूव टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, क्या वहां पर भी कुछ अच्छा बन रहा है? ओके, बहुत बढ़िया बन रहा है, ये देख रहे हो, ये इतनी शार्प अपमूव आई है, शार्प अपमूव के बाद इसने एक पैटर्न को फॉलो करा है, जिस पैटर्न को हम लोग रेगुलरली फॉलो करते हैं, जो कि है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न। क्या है? एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसने फॉलो कर रखा है, ठीक है। इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का अगर ब्रेकआउट आता है, क्योंकि एक तो ये बुलिश पैटर्न है, अगर इस बुलिश पैटर्न का भी ब्रेकआउट आता है, लेवल कौन सा है पैटर्न के ब्रेकआउट का, लेवल भी सेम है, एग्जैक्ट सेम है, थोड़ा सा ऊपर है, लेवल भी सेम है। सो आपको करना क्या है, 15 मिनट की कैंडल अगर 108.5 के ऊपर ब्रेकआउट देती है, गो फॉर अ बाय। 111 से 113 रुपए का टारगेट है, जो मुझे लगता है कल परसों के अंदर आराम से दे देगा, इंट्राडे में ही दे देगा, ठीक है। सो 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने का वेट करना 108.5 के ऊपर, और हम लोग कल यहां पर भी ट्रेड डेफिनेटली लेंगे। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टॉक, थोड़ा सा जल्दी कर लेता हूं, ठीक है। लेट्स मूव टू डेली टाइम फ्रेम, आ गए हैं हम लोग अपने ट्रेंट पे, ये है ट्रेंट का चार्ट यहां पर। अच्छा, आप लोगों को ज्यादातर कंफ्यूजन होती है कि कौन सा स्टॉक है, पहला स्टॉक कौन सा, दूसरा कौन स्टॉक कौन सा है, तो नीचे आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन पे बिल्कुल वाइज लिखता हूं कि पहला स्टॉक कौन सा दिया, दूसरा कौन सा दिया, तीसरा कौन सा दिया, तो वहां पर नाम मिल जाएंगे, कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। आप देख सकते हैं ये भी एक चैनल के अंदर काम कर रहा है, क्लियरली एक चैनल के अंदर काम कर रहा है, एग्जैक्ट अपने सपोर्ट लेवल से, बॉटम से ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद आप एक ये जोन देख रहे हैं ग्रे कलर का जोन, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? ये एक रेजिस्टेंस का काम, क्योंकि पहले ये इसके लिए सपोर्ट था, यहां सपोर्ट था, ब्रेकआउट दिया, ये इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया। ये देखिए, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ब्रेकडाउन दिया, ये रेजिस्टेंस बन गया, दोबारा नीचे आया, दोबारा ऊपर गया, ठीक है। सो यहां पर हम लोग एक चीज समझ रहे हैं, अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो बाय तो बनेगा। क्या बोला? इसका ब्रेकआउट हुआ तो बाय बनेगा, ये चीज समझ में आ गई। अब अर्ली चार्ट में क्या करना है पता होगा आपको, अर्ली चार्ट में अब हम लोगों को फाइंड करना है कि कहां पर बाय करना है। क्या बोला मैंने? कहां पर बाय करना है। सो लेट्स मूव टू अर्ली चार्ट, अर्ली चार्ट पे आ गए। अब अर्ली चार्ट पे इस जोन पे और अच्छे से ध्यान देते हैं यार। अर्ली चार्ट पे मैं जब आया तो मैं देख रहा हूं यार ये स्टॉक तो कम से कम
23 अप्रैल से, मैं कह रहा हूं 23-21 अप्रैल से ये पर्टिकुलर स्टॉक इसी के आसपास काम कर रहा है, नीचे जाना ही नहीं चाह रहा। क्या बोला मैंने? नीचे जाना ही नहीं चाह रहा। ठीक है, आपने देखा इस लेवल पे एक बार आया था, नीचे आ गया, बट इस लेवल से अब ये नीचे जाना ही नहीं चाह रहा है। आई थिंक इट्स अ गुड साइन फॉर अ बाय, मतलब ये ऊपर ही सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अब क्या करना है, ये तो पता चल गया इसी के ऊपर बाय करना है, ठीक है, क्योंकि ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बाय कब करें, क्या लेवल है बाय करने का। यार मैं एक चीज देख रहा हूं कि हम बाय तो कर लें, देखिए इस जोन के ऊपर अगर मैं देखूं, इस जोन के ऊपर इसने अभी तक क्लोजिंग नहीं दी, देखिए इस वाली कैंडल ने क्लोजिंग दी है, उसके बाद दोबारा नीचे आ गया स्टॉक, क्या करे सर। इस वाली कैंडल ने भी क्लोजिंग दी, दोबारा नीचे आ गया सर। अगर मैं 15 मिनट की कैंडल के लिए वेट करूंगा तो मेरा दोबारा भी लॉस हो सकता है, ये तो तीसरी बार भी ये चीज फॉलो कर सकता है ना। कोई बात नहीं, ये जो जोन है इस जोन को मैं क्या करता हूं, ऊपर लेकर आ जाता हूं, इस जोन को मैं ऊपर ले आया। अब तो ठीक है, अब तो इसने ब्रेकआउट नहीं दिया इस जोन का, क्या बोला मैंने, अब तो इस जोन का ब्रेकआउट नहीं दिया ना अभी तक कहीं पर भी। तो अब क्या करना है, इस जोन के ऊपर अगर अपनी क्लोजिंग देता है 15 मिनट के ऊपर, गो फॉर अ बाय। लेवल क्या है, इस जोन का हाई क्या है, 788 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुए, गो फॉर अ बाय। 10-15 रुपए आपको आराम से मिल जाएंगे, 10-15 रुपए इंट्राडे में सफिशियंट होते हैं भाई, 10 रुपए भी बहुत सफिशियंट होते हैं, 10-15 रुपए तो मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, यहां पर आप ट्रेड लेने की कोशिश करना। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टॉक, दैट इज कैडिला। ये स्टॉक मेरे रेडार में आज था, मतलब मैं कल आप लोगों को स्टॉक देना चाह रहा था, बट मैं पता नहीं किस रीजन से रुक गया, बट कोई बात नहीं, मैंने इस पर पर्सनली ट्रेड लिया था, मैंने क्लाइंट्स को ट्रेड नहीं करवाया है, मैंने खुद पर्सनली ट्रेड ले रखा है, अभी भी ये कैंडल में मैंने बाय कर रखा है। ठीक है, सो इस पर तो गर्मी बहुत हो गई है, इसमें क्या हुआ है कि आप देख सकते हैं यहां सिस्टमैटिक चीज है समझने की। स्टॉक ने क्या करा है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। स्टॉक इस लेवल से ऊपर गया, ठीक है, इसके बाद नीचे आया, ये पूरी अपमूव का ऑलमोस्ट 38% जो है गिरावट, इस पूरी अपमूव का जो 38% की फॉल करी, उसके बाद स्टॉक ने दोबारा एक स्ट्रेट रैली करी, स्ट्रेट रैली करने के बाद दोबारा नीचे आया, इस पूरी अपमूव का एग्जैक्ट सेम 38% की फॉल करी, इस लेवल पे रुका, होल्ड करा और इस लेवल से ऊपर जा रहा है, यानी कि ये रैली दोबारा कंटिन्यू कर सकती है, यस और नो। यार एक बार करी है, दूसरी बार करी है, तीसरी बार कर सकती है, डेफिनेटली कर सकती है, तो हम तो यही मान के चलेंगे ना, कर सकती है। ठीक है, तो यस यहां पर मेरे लिए एक बाय सेटअप है। अब आर्ली चार्ट पे चलते हैं, कुछ ना कुछ तो दिखेगा ये आर्ली चार्ट के अंदर। आर्ली चार्ट पे जब मैं आया तो मैंने यार ये देखा, इस ब्लैक कलर की लाइन पे, इसको भी मैं दोबारा रेड कर देता हूं, इस रेड कलर की लाइन के ऊपर, ध्यान से सुनेगा, इस रेड कलर की लाइन के ऊपर क्या कोई क्लोजिंग देखने को मिली है 1 आवर की? यार इतनी बड़ी कैंडल बनाई थी तो डेफिनेटली इसका टॉप तो रेजिस्टेंस है, ये तो मान के चल रहा हूं, ये तो कोई भी बता देगा। क्या इस रेड लाइन के ऊपर ये गया था बट क्लोजिंग दी? नहीं बेटा, इस रेड लाइन के नीचे क्लोजिंग दी, तो मतलब ये रेड लाइन इंपॉर्टेंट है। अब इसने यहां पे इसके ऊपर गया, रीटेस्ट करा और ऊपर जाके दे दी, तो मतलब यहां पर इसने क्लोजिंग दे दिया, तो इट्स अ गुड साइन। ऑलमोस्ट ये 600 रुपए के टारगेट तक जा सकता है। क्या बोला मैंने? 600 रुपए के टारगेट तक जा सकता है। मैंने तो डेफिनेटली बाय कर रखा हुआ है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपने इसने ब्रेकआउट दिया, ऑलमोस्ट अगर 4-5 रुपए की गिरावट भी कर दे कल इंट्राडे के अंदर तो भी बाय कर लेना। क्या बोला मैंने? गिरावट भी कर दे तो भी बाय कर लेना। सर कल इंट्राडे में अगर 4-5 रुपए की गिरावट करेगा तो रिकवर करने में भी टाइम लग जाएगा, मतलब 1-2 दिन ले लेगा, बट मुझे करना है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो लेट्स मूव टू 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमने देखा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल तो बनी हुई है। अब क्या होता है अगर कल ये डायरेक्टली इस लेवल से ऊपर जाना स्टार्ट करता है, गो फॉर अ बाय, 8-9 रुपए आपको आराम से मिल जाएंगे। बट अगर ये नीचे आना स्टार्ट करता है तो वेट करना। अगर ये नीचे आना स्टार्ट करता है, अगर बाय चांस नीचे आना स्टार्ट करता है, गो फिर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाना। नीचे आना स्टार्ट करता है कोई भी कैंडल, अगर आपको ग्रीन कलर की कैंडल रिवर्सल दिखती है, गो फॉर अ बाय। क्या बोला मैंने? गो फॉर अ बाय। ठीक है, अब आते हैं अपने लास्ट स्टॉक पे जो कि अपना स्विंग ट्रेडिंग होने वाला है, और वही स्विंग ट्रेडिंग मैंने आपको फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के टेलीग्राम चैनल पे, जहां पर हम लोग फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, वहां पर मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है, ये स्टॉक हम लोग बहुत पुराने टाइम से होल्ड, मतलब कम से कम थर्सडे फ्राइडे से होल्ड करके बैठे हुए, इसका फ्यूचर अभी तक होल्ड है हमारे पास इसका। ठीक है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। स्टॉक का नाम है ग्रैनुअल्स इंडिया।
ये चार्ट, एग्जैक्ट चार्ट मैंने आपको शेयर भी करा था एग्जैक्ट अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर, बट इसने तब ब्रेकआउट नहीं दिया था, अब ब्रेकआउट दिया, गो फॉर अ बाय। ठीक है, अब पता नहीं क्या डायलॉग रट गया, गो फॉर अ बाय। ठीक है, सो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था, इस रेंज का इसने क्लियर एक ब्रेकआउट दिया, प्लस हम लोगों ने इस टॉप से लेके मतलब 450 रुपए से लेके जो इसने 300 रुपए का बॉटम लगाया था, इस पे हम लोगों ने एक वॉल्यूम प्रोफाइल की एनालिसिस करी, मतलब चेक करा सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहां है, सबसे ज्यादा दिक्कत कहां आ रही है स्टॉक को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने में, वो पता चला। आप यहां देख सकते हैं, ये देख रहे हैं रेड कलर की लाइन, इस रेड कलर की लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देने में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही थी। ठीक है, आपने देखा इसने इस लेवल पर ब्रेकआउट दिया, दोबारा शेयर बहुत तेजी से नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर इसी तेजी से नीचे गिरा, फिर ऊपर गया। एक चीज आप देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ये वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया ना, इस वाली कैंडल का क्लोज प्राइस देखिए, इस वाली कैंडल ने क्लोज ऊपर गया, इस कैंडल का क्लोज प्राइस देखिए, ये कैंडल ऊपर गई, क्लोज प्राइस देखिए, तीनों के तीनों कैंडल के क्लोज प्राइस एग्जैक्ट सेम है। क्या बोला मैंने, एग्जैक्ट सेम है। देखिए ये तो वो तो हो ही नहीं सकता कि यार ये कैसे हो रहा है, बट एग्जैक्ट सेम है। आप पॉइंट समझ रहे हैं किस तरीके से मार्केट वर्क कर रही है, हर पॉइंट को समझ जाओगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव टू वन आवर टाइम फ्रेम। अगर इसने कल, मैं आपको कह रहा हूं ये स्विंग ट्रेडिंग है, कल इंट्राडे के अंदर भी मुझे लग रहा है अगर इसने 343 के लेवल को ब्रेकआउट दिया, 343 के लेवल को, ये कल इंट्राडे के अंदर मुझे लग रहा है एक दो दिन के अंदर 5-10% चले जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर 343 के ऊपर आधा घंटा भी सस्टेन कर गया ना, 5-10% की मूवमेंट तीन चार दिन के अंदर आराम से दे देगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक पे टारगेट क्या है मेरा। 18 मेरा वैसे टारगेट तो इसका टॉप है, ऑलमोस्ट मेरा टारगेट इसका टॉप है, जो कि 25% का रिटर्न है। हम सेफ साइड में मान के चल रहे हैं 18% का रिटर्न, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल 400 रुपए का है, 400 रुपए तक आराम से जा सकता है, ऑलमोस्ट 60 रुपए का टारगेट है। मेरा स्टॉप लॉस यहां से ऑलमोस्ट 6% का है, जो कि 20 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस होगा, अराउंड मेरा 60 रुपए का टारगेट होगा। हम लोग अभी भी इसका फ्यूचर होल्ड करके बैठे हुए हैं, अराउंड हम लोगों ने बाय करा हुआ इसका फ्यूचर 336-335 के आसपास अभी भी होल्ड है, 1550 के आसपास इसका लॉट साइज है, अभी भी हमारे पास होल्ड है, वी आर स्टिल होल्डिंग, कैश सेगमेंट पे भी हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, सो ये पर्टिकुलर एक ट्रेक था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। बात करें निफ्टी बैंक निफ्टी की, बहुत जल्दी इसको भी निपटा देते हैं। अच्छा, निफ्टी पे मैं एक चीज बताने वाला था, वो देखिए, ये देखिए, यहां से बॉटम था 20 मार्च 2020, एक साल पहले की बात है, इसका बॉटम था 7,500 का। एक छोटी सी बात बताइएगा, अगर कुछ भी नॉलेज नहीं है बच्चा तक बता देगा, इस लेवल से यहां तक क्या लग रहा है, ट्रेंड क्या है इसका, निफ्टी का ट्रेंड आपको लग क्या रहा है? इस निफ्टी का ट्रेंड जो आपको लग रहा है वो आपको लग रहा है बुलिश, क्या लग रहा है, बुलिश ट्रेंड, क्लियरली बुलिश लग रहा है। तो मैं क्या बीयरिश पे ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा? हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब एक हफ्ते के पर्पस से, चार दिन के पर्पस से तो मैं ले सकता हूं, बट क्या मैं वैसे ट्रेड ले लूं जो क्रैश बार बार सुनने को मिल रहा है? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये बॉटम लिया, ये टॉप लिया, ये बॉटम्स को कनेक्ट करते हुए मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। क्या दिख रहा है आपको जब मैंने एक बॉटम से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है? क्लियर आपको एक चीज दिख रही होगी, ठीक है, अभी आपको दिखाता हूं, डोंट वरी, एक सेकेंड रुकिएगा। ये एक रेंज दिख रहे हैं, इस रेंज के अंदर स्टॉक काम कर रहा है, ट्रेंड बुलिश है। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बार बार ये चीज समझाने वाली नहीं होती है। ये देखिए, ये बॉटम फर्स्ट, ये सेकंड बॉटम, ये थर्ड बॉटम, ये फोर्थ बॉटम, ये फिफ्थ बॉटम, ठीक है, ये मल्टीपल बार यहां रेजिस्टेंस, मल्टीपल बार यहां रेजिस्टेंस, मल्टीपल बार यहां रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए स्टॉक ने क्या करा, एग्जैक्ट अपने लॉन्ग टर्म मतलब एक साल पुरानी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, क्या करा, इस लेवल से ब्रेकआउट दिया, स्टॉक ऊपर गया, दोबारा नीचे आया, अब नीचे आया, इसका ये प्रीवियस लो हो गया, 14,200 रुपए का इसका प्रीवियस लो है, इस लेवल से ऊपर जा रहा है। मैं क्या कह रहा हूं देखिए, ध्यान से समझिएगा, एक सेकेंड, यस, मैं ये रेंज क्रिएट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ये एक रेंज हो गई है। अब ध्यान से समझिएगा, ये आप लोगों के लिए डेफिनेटली कह रहा हूं बहुत प्रेफरेंस वाली चीज होगी, इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करा, यहां प्रीवियसली क्या कर रहा था, जब ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा था, हल्का सा ऊपर जाता है, एक बार डिप देता, फिर एक तेजी से भागता है, ठीक है, और अपने एग्जैक्ट अपने प्रीवियस हाई को छूता है। इसने क्या करा, डिप दी,
ट्रेंडलाइन को छुआ, ऊपर गया, डिप दी। अब अगर इस कल की कैंडल अगर बुलिश बन जाती है, कल की कैंडल सुन लेना दोबारा, कल की कैंडल अगर बुलिश बन जाती है और अगर बाय चांस ये 15,000 का लेवल ब्रेक कर दे, मैं नहीं कह रहा कल के कल ब्रेक करेगी, अगर कभी भी कर दे, एक हफ्ते बाद, दो हफ्ते बाद, तीन हफ्ते बाद, अगर 15,000 की कैंडल ब्रेक कर दे, 15,000 के ऊपर क्लोज कर दे, मैं कह रहा हूं आपको उसके बाद आपको 14,500, 14,600 नहीं दिखने वाला, सिंपल स्ट्रेट रैली जाएगी। दोबारा सुन लेना, 14,600, 14,500, 14,700 ही नहीं दिखेगा अगर 15,000 के ऊपर क्लोजिंग मिल गई है। सो अभी क्या करना है, एक छोटा सा रिस्क लेना है। क्या करना है, एक छोटा सा रिस्क लेना है, कल की कैंडल को ऑब्जर्व करो, बाय कर लो, छोटा सा रिस्क लेके बाय कर लो। मैं कह रहा हूं एक लॉट बाय कर लो, बाय कर लो, ये स्टॉप लॉस रखो, वेट करो, मैं कह रहा हूं आपको बढ़िया रिजल्ट मिल सकता है। इंट्राडे की बात करें, फटाक से कर लेते हैं, टाइम बहुत ज्यादा लग चुका है। आप देख सकते हैं एक शार्प फॉल इस लेवल से, एक रिकवरी आई है। मैं तो सजेस्ट भाई यही करूंगा कि यहां पर कल के कल ट्रेड मत लेना, अगर कल ट्रेड लेना भी है, ये हाई है, इस हाई के ऊपर ब्रेकआउट देने दो, बाय कर लो। देखिए ये कैंडल बना दी 14,660 के ऊपर, 15 मिनट की कैंडल ब्रेकआउट दे, गो फॉर अ बाय। टारगेट अगर मैं बताऊं तो टारगेट, लेट्स यूज फिबोनाची एक्सटेंशन, देख सकते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन के हिसाब से हमारा पहला टारगेट होगा 14,730। दोबारा सुनिए, 14,660 के ऊपर बाय कर रहे हैं, 14,730 और 14,800, ये हमारे दो टारगेट है। ठीक है, डाउन साइड में तो हमें बाय करना ही नहीं है, सेल करना ही नहीं है, सॉरी। ठीक है, लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी तो बिल्कुल बेकार रहा, मैं आप लोगों को अभी इस वीडियो में नहीं बताने वाला, बहुत लंबी हो गई है, इसने मेरा आज के आज दिमाग खराब कर दिया। ठीक है, मतलब मैं आपको दिखा नहीं, समझा नहीं पाऊंगा, इसने मेरा आज, मतलब चलिए हम अगली वीडियो में बात करेंगे कभी। इस पे क्या करना है, इसने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे रखा है, अगर कल ये 32,550 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, गो फॉर अ बाय, 32,660 मतलब 100 रुपए का टारगेट है, 100 रुपए का टारगेट मिले, अगर आप दो लॉट बाय करते हो, 100 रुपए के टारगेट पे एक लॉट लेकर निकल जाओ, एक लॉट होल्ड कर रखो, अगर ब्रेकआउट आता है और अच्छे टारगेट ये दे सकता है। ठीक है, सेल साइड में तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, सेल साइड में 1,000 पॉइंट गिर जाए ट्रेड मत करना। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा 32,800 रुपए का, जो कि मुझे लगता है वो भी कल के कल शायद दे ही देगा। ठीक है, सो आई होप मैंने आप लोगों को सारा ज्ञान प्रोवाइड करवा दिया होगा। बाय करना, दो स्टॉक्स और चाहिए तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो। एंड गाइस प्लीज, अगर आप लोगों ने द्वारिकेश एंड जिंदाल स्वॉप बाय कर रखा है, या अगर आप लोगों ने आज मार्केट में प्रॉफिट अर्न कर रखा है कोई भी स्टॉक पे, तो स्टॉक का नाम लेके हमें जरूर बताएगा, स्क्रीनशॉट प्रॉफिट का हमें प्लीज शेयर करेगा। नीचे सारी डिटेल्स तो आपके पास ऑलरेडी है, मेल है, व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम चैनल है, नाम है, सब कुछ शेयर करिए, हमें भी मजा आए कि आप लोगों ने कुछ ट्रेड लिया, प्रॉफिट अर्न करा है। सो गाइस बाय बाय, वीडियो लंबी होगी होगी बट कुछ सीखने को मिला होगा। सो गाइस इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बिल्कुल करिएगा गाइस, लेट्स एम फॉर 1,00,000 सब्सक्राइबर। अगर 1,00,000 के सब्सक्राइबर हमारे हो गए, सो मैं एक गिव अवे भी लेकर आने वाला हूं। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं गिव अवे भी लेकर आने वाला हूं और डेफिनेटली लाऊंगा। सो प्लीज लेट्स एम फॉर 1,00,000 सब्सक्राइबर। और मैं देख रहा हूं जो लोग वीडियोस देख रहे हैं उन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कर दो गाइस, यहां पर आप ही का फायदा होने वाला है। सो गाइस बाय बाय, थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों ने यहां पर इस वीडियो में कुछ सीखा होगा, एंड डेफिनेटली हम लोग मिलते हैं कल की वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।